ज्यादा आपको क्या अच्छा लगता है, क्या एक्साइटमेंट होती है आपकी क्रिसमस को लेके? सो दिसंबर इज माई फेवरेट मंथ, क्योंकि इसमें मेरा बर्थडे आता है, क्रिसमस आता है, न्यू ईयर्स आते हैं. न्यू ईयर्स मोस्टली वी सेलिब्रेट, वी गो आउट विद फैमिली फॉर हॉलीडेज. सो दिसंबर आते ही मेरा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा. तो क्या कुछ आप करते हो दिसंबर में आपके बर्थडे के टाइम एंड क्रिसमस के दिन? सो आई हैव मेनी फ्रेंड्स. तो दिसंबर शुरू होते ही, जैसे फर्स्ट वीक में मेरा बर्थडे आता है, 9th को मेरा बर्थडे था. सो वो पूरा वीक तो सेलिब्रेशन में चला जाता है, कभी किसी के साथ पार्टी, कभी किसी के साथ पार्टी. वो खत्म होते होते आ जाता है क्रिसमस. सो क्रिसमस में भी सेलिब्रेट ट्री, मतलब घर पे ट्री लगाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, फ्रेंड्स को बुलाते हैं, हाई टीज करते हैं मोस्टली. देखना बहुत सारे बेकरीज में नए नए क्रिसमस के फ्लेवर्ड केक्स एंड ऑल इट कम्स. सो वी डू दैट एंड फिर न्यू ईयर्स में वी गो आउट फॉर हॉलीडेज. सो इट्स माय फेवरेट मंथ. तो इस बार आप न्यू ईयर में कहाँ जाने वाले, कुछ आपने प्लान किया है? इस बार न्यू ईयर में वी आर गोइंग टू गोवा, बिकॉज़ एज यू नो डेली सोप इज गोइंग ऑन. सो डेली सोप में आपको छुट्टियां ज्यादा नहीं मिलती हैं और कभी भी आपकी जरूरत पड़ जाती है. सो गोवा कैसा है, सेफ है. अगर आप जा भी रहे हो और आपकी जरूरत भी पड़ गई तो यू कैन टेक अ फ्लाइट एंड कम बैक. सो आई एम गोइंग टू गोवा विद फ्रेंड्स एंड फैमिली. ओके, तो जब आप छोटे थे तब आप कैसे क्रिसमस मनाते थे? सो आई एम फ्रॉम लखनऊ. बहुत ज़्यादा नहीं था क्रिसमस का कल्चर, मतलब ट्रीज घर पे, जो क्रिसमस बड़े घर होते हैं तो हमारे घर पर एक ट्री था, तो थोड़ा बहुत उसको रेडी कर लेते थे क्रिसमस के दिन और मम्मी केक बेक करती थी, दैट्स इट. ओके, सो कुछ सेंटा भी होता था तब, यू नो हम ऐसा मूवी है ना वगैरह हम देखते हैं. सो आई हैव अ डॉटर, तो मैं शुरू से उसके लिए वो सॉक्स और उसमें गिफ्ट रखती थी, तो शी वाज वेरी एक्साइटेड. बट नाउ शी इज ऑल ग्रोन अप, तो अब उसको पता है कि ऐसा कुछ नहीं, तो पहले से बता देती कि क्रिसमस का गिफ्ट मुझे ये दे देना. शी डजंट वांट दैट एक्साइटमेंट एंड दैट सरप्राइज एनीमोर. बट या इन मुंबई वी डू सेलिब्रेट क्रिसमस. ओके, तो इस बार आप क्या अपनी बेटी को, यू नो क्रिसमस के दिन क्या देना? इस बार हमने प्लान किया है कि माय डॉटर्स फ्रेंड्स विल इनवाइट देम, माय फ्रेंड्स दे विल कम एंड विल प्लान अ हाई टी, लाइक विल ऑर्डर लॉट्स ऑफ केक, प्लम केक्स एंड स्वीट्स एंड विल कॉल एवरीबॉडी एंड सेलिब्रेट दैट. आपका सबसे ज्यादा फेवरेट केक या मतलब कौन सा फ्लेवर आपका सबसे ज्यादा, मिठाई में आपको क्या पसंद है? मिठाई तो खैर मुझे मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, बट क्रिसमस में बहुत सारे केक्स आते हैं. देयर इज अ केक कॉल्ड स्टोलन केक. सो मुझे फ्रूट्स एंड नट्स वाले, प्लम केक, क्रीम वाले मुझे ज्यादा नहीं पसंद है. सो दीज केक्स, आई लव दीज केक्स, मतलब मैं कभी भी मंगा के ऑर्डर करके खाते रहती हूँ. एंड आई बेक ऑल्सो, मतलब घर पे भी बेक करती हूँ, बट बेकिंग का उतना टाइम नहीं मिलता है. बेक करना आई प्रेफर बिकॉज उसमें मैं इंग्रीडियंट्स अपने हिसाब से हेल्दी डाल सकती हूँ. मतलब आई यूज आलमंड फ्लावर्स, लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड नॉट बटर. इंस्टेड ऑफ बटर आई यूज कोकोनट ऑयल. सो आई बेक वेरी हेल्दी. बट अगर उतना टाइम नहीं है तो आई ऑलवेज ऑर्डर इट. Yes, किस न्यू रिजोल्यूशन आपने प्लान किया है कि आप नेक्स्ट ईयर क्या कुछ गोल अचीव करना चाहेंगे? आई थिंक ऑल द एक्टर्स प्लान कि नेक्स्ट ईयर वेट रिड्यूस करेंगे, थोड़ा फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देंगे. बट एज़ आई टोल्ड यू कि मुझे मीठा बहुत पसंद है. सो खान कंट्रोल, खाने पे कंट्रोल है बट मीठे पे कंट्रोल नहीं है. और या आई वांट टू डू गुड वर्क नेक्स्ट ईयर, बेटर देन दिस ईयर. Yes, तो साथ में और कुछ क्या लगाना चाहेंगे आप क्रिसमस? ये आप ये बहुत ही क्यूट सा सेंटा लाए हैं. आई होप इस क्रिसमस मेरी लाइफ में कोई ऐसा सेंटा आया, मैंने बहुत सारे सरप्राइज लेकर आए. आई विश दैट. सो लेट्स हैंग दिस हियर. हैप्पी क्रिसमस एवरीबॉडी. आप क्या पर्सनली घर पे क्रिसमस ट्री ऐसे सजाते हैं? एंड सो यू हैव लाइक बिग बिग ट्री एंड ऑल? वी गेट एवरी ईयर, पर रखने की जगह नहीं होती उसको, तो we discard it and then we get it again. Okay. So अभी बस plan हो ही रहा है कि अब जिस भी दिन holiday होगा we'll get a. By the way, this Christmas I'm not here. I'll be in Goa. Oh, it's a long holiday. So I'm coming back. लेकिन still I'm planning to celebrate it with my friends and all that. So I might this week only we'll do it. Okay. So again कुछ बोल दीजिए आप माइक में, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ विशेष आप देना चाहेंगे जो इस वक्त बहुत टाइम के बाद यू नो कोविड था, कुछ कह नहीं पाए क्रिसमस के दिन. कोविड की वजह से बहुत सारे सेलिब्रेशंस हो नहीं पाए थे इस साल, तो इस साल सारे सेलिब्रेशंस बड़े बड़े हो रहे हैं. मतलब एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग एंड पीपल आर लिटिल रिलीव्ड एंड हैप्पी, क्योंकि अब कोविड इज लिटिल फार, आई होप फार ही रहे, वापस ना आए. सो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने ये भी रियलाइज किया है कोविड के बाद की लाइफ इज वेरी शॉर्ट.
सो इट्स बेटर कि हम जितनी अपनी जिंदगी जी सकें उसे जी लें. सो आई थिंक हम सबको फुल ऑन सेलिब्रेट करना चाहिए एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ, और अगर कोई फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो उन्हें तो डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहिए. तो हम सब मिलके क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और न्यू ईयर का वेलकम करेंगे. थैंक यू सो मच. यस यार.